This video is sponsored by Pixtoonz Animation Studio. देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज चैनल. पश्चिमी यूपी में आंधी तूफान ने फिर बरपाया कहर, 14 लोगों की मौत. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुधवार रात आए आंधी तूफान ने एक बार फिर कहर बरपाया है. आगरा, मथुरा, इटावा, फिरोजाबाद समेत अन्य जिलों में अंधड़ और बारिश की वजह से 14 लोगों की मौत हो गई जबकि 15 लोग घायल हुए हैं. सरकार ने प्रभावित जिलों में तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं. इटावा में 4, मथुरा में 3, आगरा और कानपुर में 2-2, अलीगढ़, हाथरस और फिरोजाबाद में 1-1 लोगों की जान गई है. हालांकि शासन ने 11 लोगों के मरने और 11 घायल होने की पुष्टि की है. आगरा में आंधी की रफ्तार 68 किलोमीटर प्रति घंटा रही. यहाँ एतमादपुर में एक मकान गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई जबकि खंदौली क्षेत्र में 3 बच्चे घायल हो गए. इटावा में 4 और मथुरा में 3 लोगों की मौत हुई, साथ ही 10 लोग घायल हो गए. कानपुर देहात व शहर में 1-1, हाथरस, अलीगढ़ और फिरोजाबाद में भी 1-1 लोगों की मौत हो गई. सीतापुर में भी घर की दीवार गिरने से 2 बच्चे घायल हो गए. राजधानी लखनऊ में भी रात 10 बजे के करीब 26 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली. हालांकि किसी भी तरह की जानमाल की क्षति नहीं हुई है. इस बीच राहत आयुक्त संजय कुमार ने भी सभी डीएम को तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं. गौरतलब है कि 2 मई को आए आंधी तूफान में उत्तर प्रदेश में 73 लोगों की मौत हुई थी. अकेले आगरा मंडल में 43 लोगों ने जान गंवाई थी. इतना ही नहीं, करीब 160 मवेशी भी मारे गए थे. आंधी तूफान में सैकड़ों पेड़ धराशायी हो गए थे जबकि सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल चौपट हो गई थी.